आपके नौ इंटेलिजेंसेस या प्राकृतिक बुद्धियां जिनके बारे में हमने आपको संक्षिप्त विश्लेषण दिया निम्न प्रकार से थी। पहली इंट्रापर्सनल, दूसरी इंटरपर्सनल, तीसरी भाषाई या लिंग्विस्टिक, चौथी शारीरिक संचलन या बॉडीली किनेस्थेटिक, पांचवी तर्क गणित या लॉजिक मैथ्स, छठी विजुअल स्पेशियल, सातवीं संगीतिक या म्यूजिकल, आठवीं प्रकृतिवाद अथवा नेचुरलिस्टिक और नौवीं अस्तित्ववान मतलब एग्जिस्टेंशियल। पहला इंट्रापर्सनल। अगर गहरा नीला रंग आपकी व्यक्तिगत लिस्ट में आया है तो आप धन्य हैं। इंट्रापर्सनल बुद्धि जिसमें आत्म जागरूकता और व्यक्ति विशिष्ट बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब सेल्फ अवेयरनेस और इंडिविजुअलिस्टिक। ऐसे इंसानों में स्वयं जागरूक होने की क्षमता होती है। वे अपने आंतरिक भावना, मूल्यों और विश्वासों तथा सोच प्रक्रिया के साथ तालमेल रखते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें अन्ना हजारे। अन्ना हजारे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। ऐसी प्राकृतिक बुद्धि वाले लोग अपने आप में पूर्ण होते हैं। इनको तो मौत का भी भय नहीं होता। इसमें हम एक और उदाहरण लें तो शहीद भगत सिंह, जिन्हें खुद पर ही इतना भरोसा था कि मौत से भी भिड़ गए। इंट्रापर्सनल बुद्धि वाले लोग ज्यादातर साइकोलॉजी, अनुसंधान, उद्यमी जैसे क्षेत्रों में अपनी जगह बनाते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में। दूसरा इंटरपर्सनल। अगर पर्पल या बैंगनी आपके तीन चार रंगों में आया है तो आप में इंटरपर्सनल बुद्धि मौजूद है। पहले इन दोनों शब्दों पर यानी इंट्रा और इंटर पर थोड़ा गौर करें। दोनों बुद्धियों में पर्सनल शब्द का समन्वय है। इंट्रा का अर्थ होता है आंतरिक या व्यक्तिगत, जबकि इंटर शब्द आपसी या सार्वजनिक की ओर इंगित करता है। इंट्रापर्सनल के प्रतीक या सिंबल में आपने ध्यान भी दिया होगा कि जो चार तीर हैं वो गोलाकार के अंदर की तरफ जा रहे थे। इंटरपर्सनल के प्रतीक या सिंबल में ये चारों बाहर की तरफ केंद्रित है। अगर यह बुद्धि आपके हिस्से में आई है तो समझें कि ऐसे इंसान दूसरों की इच्छाओं, भावनाओं और सामाजिक मनस्थिति के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। उनकी प्रतिक्रिया भी स्थिति के अनुकूल उपयुक्त होती है। इसका एक उचित उदाहरण अमिताभ बच्चन है। वो मंझे हुए एक्टर तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा कौन बनेगा करोड़पति में हमने देखा कि किस प्रकार से अमिताभ हर किसी के साथ संवेदनशील वार्तालाप करते हैं, चाहे वो नर हो या नारी, गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या निरक्षर, छोटा हो या बड़ा। दूसरा उदाहरण है नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने कुछ ही समय में किस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर अपने लिए जगह बनाई है और प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसमें उनकी इंटरपर्सनल बुद्धि ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इंटरपर्सनल बुद्धि वालों में शामिल हैं राजनीतिज्ञ, राजदूत, शिक्षक, प्रबंधकर्ता इत्यादि। तीसरा भाषाई लिंग्विस्टिक। आप में से जिन लोगों का आसमानी या स्काई ब्लू रंग आया है वह संकेत देती है कि आप में भाषा संबंधित या भाषाई बुद्धि विद्यमान है। भाषाई बुद्धि अपना स्वरूप कई रूपों में प्रदर्शित करती है, बोलचाल या मौखिक कौशल, लिखित या अभिव्यंजक। ऐसे भाषाई बुद्धि वाले जन में एक खास कला होती है जिससे वो सहजता से शब्दों के अर्थ, लय, उनका उच्चारण और प्रयोग कर पाते हैं।
वे नई भाषा भी बहुत जल्दी सीख लेते हैं तथा अलंकृत भाषा में कुशल और प्रवीण होते हैं। इनमें आप पाएंगे लेखक, कवि, गीतकार, वक्ता, वकील, भाषांतरकार वगैरह। उदाहरण लेते हैं गुलजार साहब का, जिनको 2014 के दादा फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और लेखक का उदाहरण तो मुंशी प्रेमचंद जी, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही सरल भाषा में सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया और उनकी आज तक लेखन क्षेत्र में एक अलग जगह बनी हुई है। आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, कबीर, सूरदास इत्यादि इत्यादि। चौथा, शारीरिक संचलन, बॉडीली किनेस्थेटिक। जब आपके स्व मूल्यांकन में हरा या ग्रीन रंग आया है तो यह समझना जरूरी है कि आप जैसों की शारीरिक संचलन और प्रयोग करने की बुद्धि सर्वसाधारण से ऊंची मानी जाती है। इन लोगों का अपनी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित तथा संचालन करने की विशेष बुद्धि होती है। ये वस्तुओं तथा क्रियाओं को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम होते हैं। शायद आपको लगे कि यह कौन सी नई इंटेलिजेंस है जिसको हमने कभी माना ही नहीं, लेकिन अनुभव ने हमें सिखाया है कि कई लोग अपने खेल में ही इतने माहिर होते हैं कि उनकी नकल करना सूर्य को महज चिंगारी दिखाना जैसा प्रतीत होता है। हेलन जी, जिन्होंने कई सालों तक हमारी फिल्मों में काम करके हमारा मनोरंजन किया है, उनके शरीर की लचक और नृत्य शैली जैसे हर कोशिका थिरक रही हो। दूसरा उदाहरण आपको हम देंगे एक बहुत वयोवृद्ध सर्वश्री बीकेएस अयंगर का। आप में से कई इनको पहचानते होंगे और शायद नहीं भी। भारत की योग विद्या को जिन्होंने संसार भर में लोकप्रिय बनाया, उसमें अयंगर साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये फोटो जो आप देख रहे हैं वो लगभग इसमें 95 वर्ष के हैं और कठिन आसन भी कर रहे हैं। आप में से जो लोग घर जाएं तो ये आसन अवश्य करके देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके चारों तरफ आपके परिवार के लोग हों, ताकि कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो वो आपको संभाल पाए और आपको अपने बनाए विकृत तोड़ मोड़ से आजाद कर सके। तो शारीरिक संचलन बुद्धि हमारे कई जाने पहचाने और राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत व्यक्तियों में है, जैसे खेलकूद, नर्तक, कोरियोग्राफर, खतरों के खिलाड़ी इत्यादि। पांच, तर्क गणित, लॉजिक मैथ्स। तो ये हो गई चार नैसर्गिक बुद्धियां। पांचवी है तर्क गणित, जिसके लिए हमने पीला दाग निर्धारित किया है। इस बुद्धि का संबंध संख्या और गणित, तर्क और अन्य मात्रात्मक मामलों से है। इन लोगों में धारणा और सूक्ष्म रूप से सोचने तथा तार्किक या संख्यात्मक ढंग से चिंतन करने की क्षमता होती है। यहां हम उदाहरण देंगे शकुंतला देवी जी का, जिनको आप में से कई उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से शायद ज्यादा अच्छी तरह पहचान पाएंगे। ये कंप्यूटर से भी तेज गणित कर सकती थी और ये इनकी नैसर्गिक इंटेलिजेंस थी। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं अमर्त्य सेन जी का। इनका भी आपको मालूम होगा कि हमारे भारत से एक ही अर्थशास्त्र नोबेल प्राइज विजेता है। तर्क गणित बुद्धि से प्रतिभाशाली व्यक्ति जीवन में कंप्यूटर्स, अर्थशास्त्र, अभियांत्रिका या इंजीनियरिंग में बहुत सफल रहते हैं। तो ये हो गई तार्किक संख्यात्मक इंटेलिजेंस। छह, विजुअल स्पेशियल। छठी बुद्धि नारंगी यानी ऑरेंज कलर से दिखाई गई है। इसको विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, ध्यान दें कि शब्द स्पेशल नहीं है, ये स्पेशियल SPATIAL है, अंतरिक्ष से संबंधित, विस्तार से संबंधित। इस प्रकार के बुद्धि में
रंग, आकृति, प्रतिमा और विस्तार का ज्ञान सरलता से अंतःग्रहण होता है। जरा गौर से देखेंगे तो आप पहचानोगे कि ये निराकार और सूक्ष्म रूप द्वारा कल्पना और चित्रों के माध्यम से सोचने की क्षमता होती है। आप ये भी समझ जाएंगे कि यह बुद्धि वाले आर्किटेक्ट होते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, कार्टूनिस्ट होते हैं। उदाहरण यश चोपड़ा जी, जिन्होंने अपनी कई सुंदर चलचित्र और सिनेमा के जरिए हमारा मनोरंजन किया। उनका पूरा ध्यान विजुअल कम्युनिकेशन पर था। दूसरा उदाहरण बहुत ही सीधे साधे कॉमन मैन के रचनाकार आर के लक्ष्मण, जो अपने सरल रेखा चित्रों द्वारा 50-60 साल से टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम द्वारा लगभग हर भारतीय का दिल छू चुके हैं। विजुअल स्पेशियल बुद्धि वाले आप पाएंगे विज्ञापन या एडवर्टाइजिंग की दुनिया में, फोटोग्राफी में, ग्राफिक डिजाइनर्स इत्यादि इत्यादि। सात, संगीतिक म्यूजिकल। सातवीं इंटेलिजेंस की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम अभी तक नहीं पहचानते थे, संगीत से संबंधित संगीतिक बुद्धि। इसे लाल या रेड कलर में दर्शाया गया है। संगीत लगभग सबको किसी ना किसी रूप में पसंद है। यह अलग बात है कि हम सब इस बात की डींग नहीं हांक सकते कि मैं अच्छा गा लेता हूं या कोई वाद्य यंत्र बजा लेता हूं, चाहे वो बांसुरी हो या वायलिन, तबला हो या सिंथेसाइजर। जिनमें संगीतिक बुद्धि होती है उनमें ध्वनि, स्वर, ताल ये नैसर्गिक तरीके से उनके अंदर पनपते हैं। वे गाते हों या वाद्य बजाते हों या ताल उत्पादन करते हों, ऐसे लोगों में संगीत की सही सराहना करने की क्षमता भी होती है और वे तुरंत कोई गलत सुर या ताल पकड़ लेते हैं। लता मंगेशकर, जिन्होंने इतने सालों से अपनी मधुर वाणी से हम सबको मंत्रमुग्ध किया है। दूसरा उदाहरण पंडित रविशंकर जी का, जिन्होंने हमारे वाद्य संगीत में, खासकर सितार वादन में, हमारे देश का नाम रोशन किया है। संगीतिक बुद्धि वाले साउंड एडिटर्स, उद्घोषक, डिस्क जॉकी और विज्ञापन तथा मनोरंजन की दुनिया में कई क्षेत्रों में अपना व्यवसाय पाते हैं। ये आखिरी दो बुद्धियां शिक्षण और साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बाद में स्वीकार की गई। आठ, प्रकृतिवाद, नेचुरलिस्टिक। इनमें जो आठवां इंटेलिजेंस है वो नैसर्गिक है और गुलाबी यानी पिंक में दिखाया जा रहा है। यह बुद्धि प्रकृति और संगोपन संदर्भित है तथा पर्यावरण से संबंधित है। यह बुद्धि वाले पौधों, जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। उनके वर्गीकरण और पहचानने की क्षमता होती है और प्रकृति के आंगन में जीव जंतु भी इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपने आपके वास्तविक जीवन में देखा होगा कि कई जानवर जैसे कुत्ता, जब कोई इनको पहली बार मिल रहा हो तो बड़े प्यार से दुम हिलाते हुए पास आ जाते हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को भौंक भौंक कर परेशान कर देते हैं। प्रकृतिवाद बुद्धि वालों में एक उदाहरण है डॉक्टर सालिम अली का, जिन्होंने अकेले हमारे भारतवर्ष के जितने पक्षी हैं उनकी फोटोग्राफी द्वारा वर्गीकरण किया और पूरी दुनिया को अवगत कराया। एक दूसरे प्रकृतिवाद हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनको आप बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे अगर हम इनके साथ एक और नाम जोड़ दें, चिपको आंदोलन। उत्तराखंड में वृक्ष बहुत कटने शुरू हो गए थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने वहां की महिलाओं को संगठित किया था और जैसे ही वृक्ष पेड़ काटने वाले पहुंचते ये महिलाएं तुरंत आकर पेड़ों से चिपक जाती थी और इस तरह पर्यावरण की सुरक्षा का जिम्मा उठाया। प्रकृतिवाद बुद्धि वाले कृषि, बागवानी, भूविज्ञानी, वनस्पति शास्त्री, जीव विज्ञानी इत्यादि के क्षेत्र में सक्षम होते हैं। नौ, अस्तित्ववान, एग्जिस्टेंशियल। और आखिरी नवरंग, बचपन में
कबीर का एक दोहा, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। और शायद सबसे ज्यादा उपयुक्त रंग है मटियाला या स्किन कलर, जो दर्शाता है अस्तित्ववान बुद्धि। इस बुद्धि की मान्यता पिछले 3-4 वर्ष में ही हुई है। इस अस्तित्व संबंधित बुद्धि वाले अस्तित्व, जीवन मृत्यु इत्यादि जैसे मुद्दों पर गंभीर रूप से विचार करते हैं। वे दुनियादारी निभाते हुए भी संसार से अलग ही होते हैं। उनको जीवन मृत्यु के बारे में या धर्म कर्म पाप पुण्य पर वाद विवाद करना अच्छा लगता है। इनमें से कई दुनियादारी से संन्यास भी ले लेते हैं। बड़े संवेदनशील, सूक्ष्म और गहरे सवालों से निपटाने में सक्षम होते हैं। बड़े बड़े सवाल जैसे मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है इत्यादि। पहला उदाहरण ओशो का है, यानी आचार्य रजनीश। और अस्तित्व संबंधित बुद्धि वाले दूसरे प्रतिनिधि हैं स्वामी विवेकानंद, जो शायद हमारे समय के न केवल भारत के अपितु दुनिया के सबसे बड़े अस्तित्ववान जीनियस हैं। जीवन में ऐसे लोग क्या करते हैं? सन्यासी तो हमने बता ही दिया। इसके अलावा व्यवसायी, ज्योतिषी, सामाजिक कथाकार या विवेचक, भविष्यवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि। आपके 9 इंटेलिजेंसेस या प्राकृतिक बुद्धियां, जिनके बारे में हमने आपको संक्षिप्त विश्लेषण दिया, निम्न प्रकार से थी। पहली इंट्रापर्सनल, दूसरी इंटरपर्सनल, तीसरी भाषाई या लिंग्विस्टिक, चौथी शारीरिक संचलन या बॉडीली किनेस्थेटिक, पांचवी तर्क गणित या लॉजिक मैथ्स, छठी विजुअल स्पेशियल, सातवीं संगीतिक या म्यूजिकल, आठवीं प्रकृतिवाद अथवा नेचुरलिस्टिक, और नौवीं अस्तित्ववान मतलब एग्जिस्टेंशियल। जैसे हमने आपको पहले बताया कि यह बहुत गहरा विषय है। इस संदर्भ में आपको नवरंग नवरत्न का महत्व भी समझ आता होगा। याद रहे कि अकबर जैसे शहंशाह को भी 9 बुद्धियों की जरूरत महसूस हुई थी। नवरत्न सब अलग अलग प्रतिभाओं से परिपूर्ण थे। राजा विक्रमादित्य के दरबार में भी 9 सलाहकार थे, जो उनको राजकाज संभालने में सहायता करते थे। अगर आप इसके और विवरण आकर्षित करते हैं तो याद रहे कि आपके मास्टर ट्रेनर के पास यह पुस्तक सीड ऑफ जीनियस, लेखक अंकुर गुप्ता, उपलब्ध है। लेकिन वे इस पुस्तक को शायद ही अपने से दूर देंगे। इस पुस्तक की कीमत केवल 295 रुपीज है और आप इंटरनेट के माध्यम से जैसे Amazon या Flipkart से इसे दुनिया भर में कहीं से भी खरीद सकते हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी सामने आए तो हमें ईमेल करें और हम आपका मार्गदर्शन कर देंगे। धन्यवाद।